एमसीबी जिला मुख्यालय मनिंद्रगढ़ में जनता कांग्रेस के द्वारा बढ़ते बिजली के दामों में वृद्धि को लेकर लालटेन और ढिबरी जलाकर धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जनता जो कि कांग्रेस के द्वारा मनिंद्रगढ़ के भगत सिंह चौराहे में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जो कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन काल में 4 सालों में कई बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, वहीं अभी 1 सप्ताह पहले 39 पैसा बिजली उपभोक्ता को आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, वहीं लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में बड़ी विडंबना है, जो सरकार बिजली बिल को हाफ करने के नाम पर इस सत्ता में आई थी, आज वही सरकार लगातार 4 वर्षों में 4 बार से अधिक बार जो है बिजली के दरों में वृद्धि कर चुकी है। आज जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पुनः जो कंडील और लालटेन जलाकर जो जिस युग में जिया करते थे उस युग में जीने को मजबूर है। आज इसी बात को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के इस जो जो बिजली के दरों में वृद्धि हुआ है उसको वापस लेने की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रही है। जब से ये बिजली का भी नियम चालू हुआ है तब से इतना बिजली बिल अभी आने लगा है, 3-4 महीने से एकदम परेशान हो गए हैं बिजली बिल के लिए। जहाँ 200-250 आता रहा वहाँ 1000-1000 रुपए पटा रहे हैं, गरीब इंसान कैसे लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा? उसको लेके आप लोग किस तरह कर रहे हो? जी उसी को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। अगर बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये ऊपर से ही आया है आदेश बिजली बिल पटाने का, आपको पटाना ही पड़ेगा।